पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सजापुर में उस समय बवाल हो गया जब खनन कर रहे डंपर से व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस बात से गुस्साए परिजनों ने शव रखकर सड़क पर जमकर हंगामा किया, वहीं गुस्साए भीड़ ने डंपर चालक को जमकर पीट दिया। बताया जा रहा है कि खनन माफिया अजीजगंज की गर्रा नदी में अवैध खनन कर रहे हैं। रातों रात खनन होने से स्थानीय लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। मामला थाना चौक कोतवाली के अजीजगंज का है, जहां देर रात अवैध खनन कर रहे गर्रा नदी से डंपर चालक ने सुधीर गुप्ता को कुचल दिया, जिससे सुधीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जमकर हंगामा किया, वहीं गुस्साए भीड़ ने चालक को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। सड़क पर जाम लगाई भीड़ DMSP को बुलाने की मांग करती रही। परिजनों का आरोप है कि इस क्षेत्र में भी भारी भीड़ के बीच में अवैध खनन कर डंपर चालक तेजी से गुजरते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ऐसे में ही यह खनन का कारोबार बंद होना चाहिए। वही देर रात तक मामले ने सुलझाया नहीं जा सका और भीड़ सड़क के बीच जाम लगाकर बैठ गई। वही परिजन पुलिस और अधिकारियों की बात मानने को तैयार नहीं थे। जाम खुलवाने में पुलिस के छूटे पसीने, पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स, SP सिटी सहित कई थानों की पुलिस तैनात थी। अवैध तरीके से किया जा रहा था खनन। उग्र हुई भीड़ ने पुलिस पर जमकर की पथरावबाजी। भीड़ को देखते ही पुलिस ने भी किया लाठी चार्ज। रेता से भरने के लिए वापस जा रहा था डंपर, लेकिन इन्होंने पिताजी हमारे वापस जा रहे थे, चढ़ा दिया। कई बार आए थे उसको, लेकिन इन्होंने कभी कोई इस बात पे गौर नहीं किया है। अब आज हमारे पिताजी इस बात में मुझे बस अब आप लोग क्या करेंगे? हम अंदर साहब ये चाहते हैं, पिताजी तो हमारे विकलांग थे, हमारी माता जी का थोड़ा बहुत सहारा हो जाए तो सही है। DM वगैरह बंद हो जाए तो बढ़िया है। बंद होगा, ठेका बंद होगा। पूरा मोहल्ला परेशान है। आज हमारे साथ हुआ कल और हुआ था, उसमें से डेथ हो गई। लोग जो है जाम लगा दिए थे, अभी इसको जो है हल्का सा बल प्रयोग करके जाम जो खुलवा दिया गया। बॉडी कहाँ पर गई है इस समय? बॉडी मर्चरी पे गई है। वैसे यहाँ पर अवैध खनन, रेत खनन हो रहा है पिछले लंबे समय से, और नो एंट्री में गाड़ी भी आ जाई है, किस तरह से लापरवाही है और आगे किस तरह से? खनन का पट्टा है, उसका रजिस्टर्ड पट्टा है, और इसमें और कोई शिकायत होगी तो उसकी जाँच कराई। पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।